आज डिवाइड करना सिखा रहा हूँ और डिवाइड की ट्रिक है, ध्यान से देखना। सपोज करो ये दो नंबर बच्चों ने जो अपन को बताया, अपन इसको यूज करते हैं डिवाइड में। अभी मुझे इस नंबर को इससे डिवाइड करना होगा 124 से, तो सबसे पहले मैं देखूंगा मुझे किसकी टेबल आती है। अब मुझे 12 की टेबल आती है, ऐसा मैं बोला सिर्फ 1 की आती है। पहले ये देख लो क्या 124 की आती है, असंभव कभी आ नहीं सकती तुम्हें, ठीक है। अब देख लो 124 की तो नहीं आती, क्या 12 की आती है? अगर 12 की आती है तो अपन एक काम करेंगे, अपन यहाँ 12 ही लिखेंगे फिर 5, 4, 6, 7। अब एक नंबर अपन ने छोड़ दिया 4, तो अपन 4 को यहाँ लिखेंगे साइड में, यहाँ लिख देंगे 4 को, और 4 हटाया तो यहाँ पर डेसिमल लगा दें। एक नंबर यहाँ से हटाओगे तो एक नंबर यहाँ से भी हटाना पड़े। अब डेसिमल लगाने से 7 हट गया, मतलब 7 तो है अभी, हटा कैसे? अभी 7 था तो ये क्या कहलाता था, 5467, अब कहलाएगा 546, क्योंकि ये भी तो 12 हो गया ना, ठीक है। 4 को भी मैंने साइड में रखा है तो 7 को भी साइड में कर दिया डेसिमल लगा के। अभी तक कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं? अब 12 के टेबल पढ़ते जाओ, कार्यक्रम आगे बढ़ाते जाओ, ठीक है। 12 2 24 12 32 48, 12 4 48, ये हमारे पास बचा 6 बचा। अब ध्यान सुनना बच्चों, यहाँ तक समझ में आती ना बात? अब सिर्फ काम इतना सा होगा कि जब भी नंबर नीचे आएगा तो -2 बार होंगे, इतना सा फर्क पड़ेगा बस। क्या फर्क पड़ेगा सुनना, ध्यान से सुनना मेरी लाइन। 12 की टेबल बढ़ गया, आगे तो बढ़ गए अपन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी हम लोग नंबर नीचे लाएंगे, जब भी नीचे आएंगे माइनस कितनी बार करेंगे? दो बार करेंगे। एक बार 4 से, एक बार 12 से, एक बार 4 से, एक बार 12 से, ठीक है। जैसे सुनना ध्यान से, अभी अपन 6 को नीचे लेकर आए, लिया है 6 को, तो पहले अपन 4 की टेबल 4 बार पढ़ेंगे। 4 4 16, तो यहाँ पहले 16 माइनस करेंगे, 16 माइनस करने पे आया ये 50 आ गया। अब 12 की टेबल पढ़ेंगे, मैंने कहा 2 बार माइनस करेंगे, समझे क्या बोला? जैसे ही नंबर नीचे उतारा 6, तो 12 की टेबल पढ़ना होता है ना, 12 की नहीं पढ़ेंगे अभी, 4 की टेबल पढ़ेंगे, यहाँ पर जो नंबर लिखा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 4 16, इसने यहाँ पर 16 लिखा। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन हो तो घर में जाके देख लेना। 16 समझ में आया कैसे आया? वो 4 लिखा था ना, यहाँ भी 4 है, तो 4 4 16 हुआ, ये 16 आ गया, बता रहा हूँ। वहाँ पर 2 होता तो 2 की टेबल 4 बार पढ़ते, 8 आता, ठीक है। यहाँ पर 2 होता तो 4 की टेबल 2 बार पढ़ते, तो भी 8 ही आता, समझ रहे हो? ये आया 16, माइनस करने में क्या आया? 50 50, ठीक है। अब 12 की टेबल पढ़ो, क्योंकि 12 की तो बाकी है ना अभी, तो 12 4 48, 2 आया। अब डेसिमल है तो डेसिमल लगा दो, अब क्या उतारेंगे? 7 7 आया नीचे, यहाँ आ गया, है ना। सुनना बच्चों, 2 बार माइनस करना है ना 7 आते ही, 7 आया 2 बार माइनस होगा, एक बार किससे? 4, यहाँ पर कौन सा नंबर है? नया नंबर कौन सा आया? 4, इस वाले 4 से नहीं, इस वाले 4 से। सपोज करो यहाँ 2 आता, यहाँ 42 होता भी यहाँ पर, तो 4 × 2 करते, समझ रहे हो? जो भी नया नंबर ऊपर आता जाएगा 4 उससे ही मल्टीप्लाई होगा, तो 4 4 16, माइनस करने में क्या आया? 11 आया। अब पढ़ेंगे 12 की टेबल, 12 0 ज़ा, ऐसे ही तो पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूंगा, है ना। अब क्या बचा? इतना हुआ, अब कौन आएगा? अब आएगा 0, अब 0 उतरेगा ना, कौन उतरा? आप जब कुछ नहीं होता तो क्या उतरता है? यहाँ पर कोई डाउट हो तो बोलो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो। या 11 था, 11 सही था ना, दो बार ही तो माइनस किया, ये रहा ना, एक 16 से माइनस किया और एक 12 से माइनस किया। 12 की टेबल पढ़ो जिसमें 11 आ जाए या उससे छोटा नंबर आ जाए, 12 की टेबल में 11 आता है क्या? नहीं आता। 11 से छोटा नंबर आ जाएगा? हाँ आता है, 12 0 0, पढ़ा तो सही 12 की टेबल किससे। अब मेरी बात सुनो, 4 को किससे इंटू करूंगा? 0 से, तो 110 - 0, 110 ही आएगा ना। अब डायरेक्ट 12 की टेबल पढ़ लो, डायरेक्ट 12 9 ज़ा 100 और 12 10 ज़ा तो 120 होता है। आंसर आया 44.09। अब अपन चेक कर लेते हैं, KLCP यही आंसर आता है, मेरे पास है मोबाइल,
भगवान करे यही आया, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, इज्जत के फालू देना हो जाए। 5467 / 124 44.088 राउंड ऑफ करके 9 हो जाएगा। अब अपन, तुम बोलोगे तो आपका नंबर ले लिया, हमारा भी लो 523 जो भी तुमने बोला, अब वो ले लेता। मेरी बात सुनो, तुम में से जिसको जाना हो ना, टाइम हो गया जा सकता है, जिसको रुकना हो वो रुक सकता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरे मेरे को प्रॉब्लम नहीं, सही में चले जाओ, रिकॉर्डिंग हो रहा है वैसे भी। हाँ जरा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, जाओ जाओ, जिसको जाना है चले जाओ, जिसको रुकना हो देखना हो तो सीख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वैदिक मैसी है, हाँ और किसी को बता दूँ? चलो हाँ उठा लो, नहीं अरे वैदिक मैथ्स के अंदर आती है ट्रिक, हाँ ऐसे सिखा रहा हूँ। अब मेरी बात सुनो, अपन इस नंबर को डिवाइड करेंगे 523। चलो एक बात सुन लो बच्चों, 523 से डिवाइड तो कर दूंगा मैं, मगर चक्कर ये है कि जब मैं ये लिखूंगा 523 तो तुम्हें टेबल सिर्फ 5 की आती होगी, तब 23 को मुझे वहाँ साइड पे रखना पड़ेगा। सुना जो बच्चे बैठे हो, ध्यान सुनना, मुझे 23 को वहाँ साइड में रखना पड़ेगा। जब 23 को मैं साइड में रखूँगा तो फिर क्या होगा वो सीखना, ठीक है? अब ये वाला केस नहीं बनेगा, आराम से आराम। अब ये वाला जो केस था ना, ये नहीं बनेगा, सिंगल नंबर वाला, अब डबल नंबर वाला केस चलेगा। चलो देखना बच्चों, ध्यान से करो स्टार्ट, स्पीड से, अपन जल्दी जल्दी फास्ट, तुम्हें घर भी जाना है फिर, ठीक है? मुझे उसको भी ध्यान रखना है। सबसे पहले अपन को इसमें से टेबल सिर्फ 5 की आती है ना, तो अपन ने 5 लिख दिया अपने औकात के हिसाब से, औकात अनुसार चलना है, ठीक है? या 7, अब दो नंबर लिख रहे हो ना साइड में, 23, तो यहाँ डेसिमल लगा दो, डेसिमल। एक वैदिक मैथ्स नाम करके आती है, वो आरबीसी के बच्चों को आती है, तुम्हें नहीं आती, ठीक है? वो काफ़ी ट्रिक्स सिखाई जाती है उसके अंदर हर चीज़ की, और ट्रिक्स सिखाने से होता सिर्फ इतना है कि करने में मज़ा आ जाता है, क्वेश्चन करने में सिर्फ मज़ा आने लगता है, इंटरेस्ट आने लगता है, ठीक है? इसीलिए तुम्हारे घर में जब बच्चे बड़े हो जाए, 6, 7, 8, 9, तुम्हारे घर में कोई बच्चा या आस पड़ोस का बच्चा बड़ा हो जाए, 6, 7, 8, 9 में आ जाए, तब सिखाना उसको। छोटी कक्षा के बच्चे को ऐसे मत बोलना, तू ऐसे डिवाइड करता है क्या, मत कर, मैं बताऊँगा। पहले जब तक बच्चा ये डिवाइड ना सीखे, नॉर्मल वाला 523 से जो इज्जत से अपन करते हैं, इज्जत वाला डिवाइड, वो ना सीखे तो बच्चे को कभी भी ये मत सिखाना, पहले उसको वो सीखने देना बेसिक वाला, फिर ये सिखाना, तो थोड़ा इंटरेस्ट आएगा उसको करने में। अब ध्यान से देखो, 5 की टेबल बननी है ना, धरले से पढ़ दो 5 की टेबल, तो आओ अब तेरी 5 नंबर ही बहुत बेकार दिया तुम लोगों ने यार, 0, अब नीचे आएगा 4, ठीक है? अब क्या करेंगे अपन लोग, ध्यान से देखना, ये 23 है ना, तो यहाँ पर लेंगे 0 और 1, दो नंबर हो तो दो नंबर लेने पड़ते हैं। अब यहाँ तो एक ही नंबर है 1, है ना, तो 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं 0 1, तो अपन 0 1 लिखेंगे, दो नंबर लेने होते हैं हमेशा, यहाँ तो एक ही नंबर है 1, तो अपन क्या लेंगे 0 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, मतलब 3 0 और 2 1 2, तो 3 0 0 आया और 2 1 2 आया, ऐड करने में क्या आया 2 आ गया, माइनस कर दो 2, क्या आया 2, एक माइनस हो गया। अब 5 की टेबल पढ़ो, 5 0 0, ठीक है? तो ये आया अपना 5 0 0, तो ये क्या बचा अपना 2। अब क्या, अब डेसिमल आया ना, डेसिमल लगाकर अब अपन उतारेंगे 6, डेसिमल लगा के 6 उतारेंगे, ठीक है? अब जब 6 आया यहाँ पर,
तो फिर वही करेंगे नोटेंगी, साइड में कौन रखा हुआ है, साइड में रखा है 23 और यहाँ पर है 10, यहाँ पर ले लेंगे 10 क्रॉस मल्टीप्लाई, समझे, 23 हमेशा बार बार रहेगा और क्रॉस मल्टीप्लाई चलता रहेगा। अब 10 हो गया ना, तो 10 के साथ करेंगे 3 1 3 2 0 0 दोनों को प्लस कर दो, 3 आया, माइनस 3 क्या बचा, 23 ये बचा, ठीक। 5 की टेबल बढ़ेंगे, 20 यहाँ आया 3, अब आएगा 7, ठीक है। अब जब 7 आएगा तो यहाँ पर नंबर है 0 और 4, दो नंबर लेने होते हैं यहाँ से बस, लास्ट के दो नंबर, तो लास्ट के दो नंबर क्या है, वापस लिखो 23 0 और 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 0 0 4 टू 8 दोनों को प्लस कर दो, 8 आया, 8 इसमें से माइनस कर दो, 29 आया। अब 5 की टेबल कितनी बार पढ़ोगे, 5 5 चलो अपन चेक करते हैं, 10.45 आ रहा है, 5 4 6 7 डिवाइड बाई 5 2 3 10.45 एग्जैक्ट। चाय कम पानी डिवाइड कुछ भी नहीं है। अब वो बच्चा कह रहा था 9 10 9 लो, तो अब तुम घर पे जाके एक काम करना, बस 5 4 6 7 के नीचे यहाँ लिखना 9 9 9, ठीक है, और कमेंट बॉक्स के अंदर, यूट्यूब की लिंक भेजूंगा तुम्हें, ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर 5 4 6 7 डिवाइड बाई 9 9 9 को करके दिखाना। कैसे करोगे, 9 की टेबल आती है अपन को, तो ये 9 आगे वाला 9 तो यहाँ रख देंगे, ये 2 9 को यहाँ रखेंगे, हर बार 2 नंबर लेके क्रॉस मल्टीप्लाई एड करके माइनस। तो एक बार जब तक ट्राई नहीं करोगे ना, और एक बार बोल दूँ बच्चों जितने भी वीडियो सब देख रहे हैं, जब अगर तुम लोग घर पे ये मेथड को ट्राई करोगे, ये मेथड ट्राई करोगे घर पे, तुमसे नहीं होगा एक बार में, तुमसे होगा ही नहीं, तुम्हें वीडियो ही देखनी पड़ेगी तभी समझ में आएगा। इसलिए इसकी वीडियो अभी अपलोड करके हाथ और लिंक भेज रहा हूँ तुम्हारे ग्रुप पे, ठीक है। अच्छा लगा डिवाइड, मज़ा आया, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय।